नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी रहने से बागमती रौद्र रूप धारण कर लिया है। बाढ़ से नदी के पश्चिमी भाग के साथ पूर्वी भाग के मोहल्लों में परेशानी बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में नदी के पानी में करीब 1 फीट वृद्धि हुई है। पश्चिमी भाग के गाछी खेत खलियान लबालब हो गया है। पश्चिमी दिशा से मोहल्ले की ओर पानी तेजी से बढ़ने लगा है। सिमरा निहालपुर सड़क एक स्थान पर पूरी तरह कटने से आवागमन ठप हो गया है। इसी रूट पर कई स्थानों पर सड़क पार पानी का बहाव तेजी से जारी है। शुभंकरपुर मुक्तिधाम परिसर में नदी का पानी फैल जाने से अंतिम क्रियाक्रम में परिजनों को परेशानी होने लगा है। लकड़हरा की दुकानें चारों ओर से पानी से घिर गया है। वार्ड 8, 9 और 23 में बाढ़ से स्थित विकट होती जा रही है। झोपड़िया व निचले इलाके के घरों में पानी प्रवेश कर जाने से अवस्थित विस्थापित होने के लिए मजबूर है। पेयजल तक की समस्या होनी शुरू हो गई है। सबसे अधिक समस्या मवेशी पालकों को चारा को लेकर हो रहा है। कई सड़क पानी में विलीन हो गया है। वहीं पानी रास्ता बनाते हुए नए इलाके को पानी में डुबा रहा है। वहीं नदी के पूर्वी भाग में रिहायशी इलाके अवस्थित हजारीनाथ घाट के सतह पर बाढ़ का पानी चढ़ने से महज 4 इंच शेष नजर आने लगा है। वार्ड 6, 7 व 22 का जिला निकासी अवरुद्ध रहने व बंद सुलेस गेट से पानी का रिसाव होने से सड़क पर पानी में विलीन हो गया है। आवागमन में कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इधर गुरुवार की दोपहर से रुक रुक कर वर्षा होते रहने से बाढ़ प्रभावित इन मोहल्ले वासियों की मुसीबत और बढ़ा दिया है। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।